शांति। आज की तारीख है 11/2/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि हम जब भी ऊपर से आते हैं यानी प्रभु के घर से या हम अपने असली घर परम धाम से जब आत्मा नीचे आती है इस सृष्टि पर, इस धरती पर या इस साकारी सृष्टि में, तो हम निवस्त्र होती हैं यानी ज्योति बिंदु स्वरूप में नंगी आती हैं और फिर यहाँ आने के पश्चात शरीर रूपी वस्त्र को हम धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें इस पुराने वस्त्र को छोड़कर पहले घर जाना है और उसके पश्चात हम नए वस्त्र को धारण करेंगे इस सृष्टि पर। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। प्रश्न है आज का, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर है, पहली बात तो ये ड्रामा जूं मिसल चलता रहता है यानी एक्यूरेट चलता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वो फिर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार की दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक है, उच्च पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। नंबर दो, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, पैसे आदि जो भी हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान सतगुरु का स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। स्पष्टीकरण, स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है। हाँ, कईयों ने मापदंड बना लिया है स्व उन्नति का और प्रगति का कि भई हम सेवा बाबा का परिचय देते हैं मुख से तो हमारी उन्नति है, परंतु बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से बाबा का परिचय देना ये सिर्फ सेवा नहीं है, परंतु हर कर्म द्वारा, हर श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ये भी एक सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करो, सदा प्रत्यक्ष फल को प्राप्त करते रहो। स्लोगन है सतगुरु का, समीप आने के लिए
सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.